नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आसान भाषा में। दोस्तों, अगर आप फूड से रिलेटेड किसी भी तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं, चाहे आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, अगर आप फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको एक लाइसेंस लगता है जिसका नाम है फसाई सर्टिफिकेट, जिसको फूड लाइसेंस के नाम से भी हम जानते हैं। वो लाइसेंस घर बैठे हम लोग ऑनलाइन कैसे अप्लाई करके बनवा सकते हैं, आज के इस वीडियो में पूरा प्रोसीजर मैंने इसका बताया है, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम लोग घर बैठे ऑनलाइन फूड लाइसेंस यानी फसाई सर्टिफिकेट को कैसे बनवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग अपना FSSAI सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना है अपने मोबाइल कंप्यूटर में। उसके बाद यहाँ पे आपको FSSAI सर्च करना है। यहाँ पे सर्च करने के बाद में जैसा कि देख सकते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, तीन ऑप्शन है तो आपको यहाँ पे जनरल पे जो है यहाँ पे टिक करना है। जनरल पे आप क्लिक करेंगे तो उसके सामने एक पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। इस पोर्टल पे यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं झारखंड से हूँ तो मैं झारखंड सेलेक्ट करूँगा। आप जिस भी स्टेट से हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद में फिर से आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, फूड सर्विस पे सेलेक्ट करना है। फूड सर्विस पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे जिस भी टाइप्स का है वो सेलेक्ट कर लीजिए। फूड सर्विस पे क्लिक करने के बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लाउड किचन के लिए बना रहे हैं तो फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शन और खुल के आ रहे हैं, जिसमें से अगर आपका 12 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे अगर आपका 12 लाख से कम है तो आप नीचे वाला सेलेक्ट करिए। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये फॉर्म पूरा हम लोगों को यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आपके कंपनी का नाम, जिस भी नाम से आप अपना कंपनी बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जिस भी नाम से आप अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे फिल करिए। फिल करने के बाद में नीचे आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अगर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे पूरा अपना एड्रेस जो है फिल करना है विथ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे पिन कोड वगैरह पूरा डाल देना है। पूरा आपको एस्टेब्लिशमेंट जहाँ से भी आप बिजनेस करेंगे वो एड्रेस भर देना है। भरने के बाद में आपको क्या करना है, नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपसे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा जा रहा है तो आप इस पर यस पे टिक मार्क करिए। यस पे टिक मार्क करने के बाद में आपका सेम वो फिल हो जाएगा नीचे। उसके बाद फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद में नीचे आइए तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट पर्सन, तो जिसके नाम से बना रहे हैं उनका नाम यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को प्रीपेड फूड यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्योंकि हम लोग क्लाउड किचन के लिए बना रहे हैं। उसके बाद सेव करना है और नीचे आएंगे तो कब से आप चालू करेंगे वो आप यहाँ पे डेट फिल कर दीजिए। डेट डालने के बाद हम लोगों को यहाँ पे पब्लिक पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है या नहीं, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद में आपसे पूछा जा रहा है आपका लोड कैपेसिटी कितना है, तो हमारा 2 KB है तो हम लोग यहाँ पे 2 KB डालेंगे और आपका जितना है आप वहाँ पर डाल सकते हैं। तो 2 KB यहाँ पर डालने के बाद में हम लोग क्या करना है, यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड जैसे ही करेंगे तो उसके बाद अब आपसे आपके सामने यहाँ पे एक फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे आपको अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पे आपको सेल्फ सेलेक्ट करना है। सेल्फ सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे अपना सेकेंडरी मोबाइल नंबर वगैरह डाल सकते हैं, डालना चाहते हैं तो, नहीं तो ऑप्शनल है आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक लॉगिन आईडी दिख रहा होगा, ये लॉगिन आईडी आपको सेव करना है और एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करना है और ये पासवर्ड और आईडी दोनों आपको याद रखना है क्योंकि बाद में इसका काम आएगा। उसके बाद नीचे आपको क्या करना है, कैप्चा फिल करना है। कैप्चा पूरा फिल कर लीजिए और कैप्चा फिल करने के बाद में सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है और फिल करने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो है यहाँ पे सक्सेसफुली साइन अप हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये लॉगिन आईडी आपको यहाँ पे सेव रखना है क्योंकि बाद में आपको इसका काम आएगा, तो आपको ये लॉगिन आईडी पासवर्ड दोनों याद रखना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करिए।
ऐसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से यहाँ पे एक पोर्टल खुलेगा। यहाँ पे हम लोगों को अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करना है। आपको पहला डॉक्यूमेंट आपका फ़ोटो अपलोड करना है और दूसरा डॉक्यूमेंट जो है आप यहाँ पे पैन कार्ड वगैरह या वोटर कार्ड कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरा अपलोड का प्रोसीजर अगर आपका हो जाता है तो उसके बाद अपलोड करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको टिक मार्क कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फी पेमेंट करना है। फ़ीस आप ऑनलाइन भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, वो 100 आपको फ़ीस लगेगा। फीस पे ऑनलाइन पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद में आप पे पे क्लिक करिए। पे पे क्लिक करने के बाद में चलिए हम लोग अपना पेमेंट पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं आपके पोर्टल पे। फीस पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप पोर्टल पे दोबारा आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फूड लाइसेंस जो है यहाँ पे बन के रेडी है। अब आप अपना घर से क्लाउड किचन भी चालू कर सकते हैं या फिर आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, फूड सर्विस, फूड से रिलेटेड जो भी सर्विस आप खोलना चाहते हैं आप यहाँ पे खोल सकते हैं। घर बैठे ही आपका फूड लाइसेंस जो है यहाँ पे बनकर रेडी हो गया है। आई होप ये वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग घर बैठे ही अपना फसाई सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम में किसी भी तरह का सवाल अगर आपका है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के जितने वीडियोज़ में लेकर के आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन।